साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में तीसरे फेज की वोटिंग होने वाली है और वोटिंग का सिलसिला मुंबई की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब इस बीच उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा वाला झटका बहुत जोर से ही लगा है। रातों रात उद्धव ठाकरे से उनका करीबी छीन लिया गया, जिसके बाद अपने ही गढ़ में उद्धव ठाकरे फंस गए हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाकरे को फंसा दिया, अटका दिया और ऐसा मास्टर स्ट्रोक मारा कि उद्धव ठाकरे को वोटिंग के दिन से ठीक पहले बड़ा वाला फटका लग गया। तो बताते हैं सब कुछ आपको, आप भी वीडियो को शेयर और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे भले ही बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे भी कर रहे हैं, लेकिन खुद उनकी नाव मझधार में खड़ी है, उनकी नाव डूबती हुई दिख रही है, क्योंकि हर बार 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 उनके लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। और इस बार तो उनका बहुत बड़ा करीबी ही उनसे छीन लिया गया और वो भी उनके ही गढ़ से। मुख्यमंत्री शिंदे ने मास्टर स्ट्रोक मारा है। असल में नासिक इलाके में अभी वोटिंग हुई नहीं है और नासिक को शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर उन्हें अच्छी खासी उम्मीदें भी हैं, लेकिन नासिक में नासिक में उद्धव ठाकरे के सबसे बड़े नेता ने ही उनका साथ छोड़ दिया है। नासिक में शिवसेना यूबीटी के जिला अध्यक्ष विजय करंजकर ने पार्टी छोड़ दी है, उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया और भारी नाराजगी के बाद उद्धव ठाकरे का साथ अपने कार्यकर्ताओं के साथ छोड़ा। जी हाँ, विजय करंजकर के साथ बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता भी ठाकरे गुट को छोड़कर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो गए। और इससे भी बड़ी बात, ये सब कुछ वोटिंग से ठीक पहले हुआ है। जी असल में विजय करंजकर लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे से लोकसभा का सांसद का टिकट मांग रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट दिया नहीं गया। उनसे पार्टी को आगे बढ़ाने को कहा गया, उम्मीदवारों को जिताने को कहा गया, मगर विजय करंजकर का कहना था कि उन्होंने जनता के बीच में काम किया है, जनता के बीच में वो गए हैं, लोगों की मदद की है और उनकी अच्छी खासी लोकप्रियता है, लिहाजा उनको टिकट हर हाल में मिलना चाहिए। लेकिन उद्धव ठाकरे ने उनकी सुनी नहीं, दो टूक उन्हें कह दिया कि टिकट नहीं दिया जाएगा, पार्टी के लिए काम करो और पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने का काम करो। मगर जब टिकट नहीं मिला तो उद्धव ठाकरे को करंजकर ने ठेंगा दिखा दिया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में विजय करंजकर ने पार्टी छोड़ दी, शिवसेना के शिंदे गुट में शामिल हो गए। अब ये उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि विजय करंजकर का नासिक इलाके में खासा प्रभाव माना जाता है और उद्धव ठाकरे उनके जरिए एक नहीं बल्कि 2 से 3 लोकसभा सीटों पर फायदा लेने की उम्मीद में थे। लेकिन अचानक उन्होंने विजय करंजकर ने पार्टी छोड़ दी तो उद्धव ठाकरे पर वादा तोड़ने का भी आरोप लगा दिया, यानी कि जिसके बाद उद्धव ठाकरे बहुत बड़ा बुरा फंस गए हैं। अब इससे पहले भी उद्धव ठाकरे करीबी लोग लगातार उनका साथ छोड़ते रहे, खिचड़ी घोटाले में आरोपी रहे हों चाहे फिर कोई और हो, लगातार उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं, उनकी पार्टी को छोड़ते जा रहे हैं। और चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे उद्धव ठाकरे के करीबी, उद्धव ठाकरे के गुट में लोग, कार्यकर्ता, नेता कम होते जा रहे हैं, जिससे उद्धव ठाकरे के लिए पार्टी को आगे बढ़ाना तक मुश्किल हो रहा है और चुनाव जीतना उनके लिए बहुत दूर की कौड़ी साबित हो रहा है। और ऊपर से लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी भी उनके ही पुराने नेता कर रहे हैं, उनके पुराने नेता उद्धव ठाकरे की पोल खोल रहे हैं, उद्धव ठाकरे के खिलाफ कई बड़े आरोप लगा रहे हैं और कई बड़े आरोप और आगे भी लगाने की बात करें, कई बड़ी पोल खोलने की बात करें, जिससे उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें आगे और बढ़ सकती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लगा है, विजय करंजकर उनको छोड़कर चले गए हैं जो कि उनसे सबसे बड़े करीबी थे, लेकिन उनके ही गर्जियां नासिक में उनको अकेला छोड़कर चले गए। अब ये ठाकरे को कितना बड़ा नुकसान होता है, कितना बड़ा नुकसान ये देगा, आप इस पर क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो मुंबई में जब से उज्जवल निकम को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, तब से ही लगातार मुंबई में सियासी घमासान तेज है। लेकिन मुंबई की उत्तर मध्य सीट पर निकम को उम्मीदवार बनाए जाने से बीजेपी के स्थानीय नेता खुश नहीं है। जी हाँ, ये नई बात, बड़ी बात आपको बता रहे हैं कि बीजेपी की लोकल यूनिट निकम को प्रत्याशी बनाए जाने से नाराज है। उनका कहना है कि उज्जवल निकम चुनाव जीतकर दिल्ली चले जाएंगे क्योंकि वो बड़े वकील हैं, उनसे मिलना तक मुश्किल हो जाएगा, लिहाजा बीजेपी के कार्यकर्ता उस तरह से उतने जोश के साथ निकम का समर्थन नहीं कर पा रहे हैं, चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि निकम की उम्मीदवारी को उनकी ही पार्टी के लोकल नेता पचा नहीं पा रहे हैं।
आगे देखिए, ऐसा ही हाल कुछ कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ का भी है। जी हाँ, बड़ी खबर ये है कि वर्षा गायकवाड़ को लेकर भी स्थानीय कांग्रेस नेता खुश नहीं है, क्योंकि वर्षा गायकवाड़ भी मुंबई की दक्षिण मध्य सीट से टिकट मांग रही थी और वहां पर वर्षा का अच्छा खासा जनाधार भी है, लेकिन उन्हें वहां से तो चुनाव में टिकट कांग्रेस ने नहीं दिया, लेकिन मुंबई की उत्तर मध्य सीट से टिकट दे दिया गया और कांग्रेस के लोकल नेता भी वर्षा के समर्थन में नहीं आ रहे, यहाँ तक कि खुलकर कांग्रेस के नेता उनका विरोध करने लगे हैं। अब मुंबई उत्तर मध्य सीट का पूरा समीकरण एक तरह से समझिए, ये पूरी सीट हाई प्रोफाइल सीट है, इसमें बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े कारोबारी, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स रहते हैं। उद्धव ठाकरे और शिवसेना का गढ़ भी यहीं पर है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे इसी लोकसभा क्षेत्र में रहते हैं और उनकी पार्टी का अच्छा खासा जनाधार भी यहाँ पर है, लिहाजा कांग्रेस तो पूरी तरह से उद्धव ठाकरे के भरोसे है। लेकिन ऊपर से उज्ज्वल निकम ने भी उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है, बात की है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि शनिवार के दिन उद्धव ठाकरे और उज्ज्वल निकम की मुलाकात होने की खबर है, जिसमें करीब 3 घंटे तक मुलाकात हुई, बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उद्धव ठाकरे यहां पर उज्ज्वल निकम को समर्थन करने के लिए अंदर खाने तैयार हो गए हैं। जी हां, बाहर से भले ही उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ है, महाविकास गाड़ी गठबंधन के साथ है, लेकिन अंदर खाने उज्ज्वल निकम को समर्थन करने के लिए तैयार है और इसके लिए उद्धव ठाकरे और उज्ज्वल निकम के बीच में डील होने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे गठबंधन की पार्टियों में भी सिर्फ अपने ही उम्मीदवारों को जिताना चाहते हैं, यानी कि कांग्रेस और एनसीपी के उम्मीदवारों की वो हार चाहते हैं, ताकि चुनाव के बाद सबसे बड़े नेता वही रहे, सबसे बड़े बार्गेनर वही रहे, सौदेबाजी करने में उनको ही सबसे पहला हक मिले। और इसीलिए खबर है कि जब से उज्ज्वल निकम ने उनसे मुलाकात की है, निकम ने उनसे मदद मांगी है, तो उद्धव ठाकरे एक झटके में तैयार हो गए, निकम का साथ देने के लिए वादा तक कर दिया। अब इस बात की भनक कांग्रेस को भी लग चुकी है, वहां हल्ला हंगामा मच गया। जी हां, खलबली मच गई है, उद्धव ठाकरे पर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। और यही नहीं, कांग्रेस ने तो उद्धव ठाकरे से इस पर अपना पक्ष साफ करने, बयान जारी करने तक के लिए कह दिया है, लेकिन पब्लिकली अभी तक उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। मगर माना जा रहा है कि वो ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, यानी कि अब वो खुलकर वर्षा गायकवाड़ और कांग्रेस का पक्ष नहीं लेने वाले हैं और अंदर खाने उज्ज्वल निकम को मदद करने वाले हैं, लिहाजा ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। लेकिन बीजेपी के लिए, निकम के लिए बड़ा फायदेमंद सौदा ये साबित हो सकता है। अब ऐसा उद्धव ठाकरे सिर्फ चुनाव के बाद के हालात के लिए कर रहे हैं, या फिर उज्ज्वल निकम के साथ अपनी पुरानी दोस्ती निभा रहे हैं, या फिर कुछ और है मामला, ये फिलहाल साफ तो नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि उद्धव ठाकरे अपने ही गठबंधन के खिलाफ ये कदम उठा रहे हैं, लिहाजा इसे उनके अपने गठबंधन के खिलाफ धोखेबाजी तक कहा जा रहा है। तो क्या उद्धव ठाकरे का कदम कितना सही है, गठबंधन महाविकास अगाड़ी का और मदद उज्ज्वल निकम यानी बीजेपी को कितना सही है, कितना गलत, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।